हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग समझेंगे और किस तरह से इसका फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, हमें इसको समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सबसे जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन होती है वो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना दोस्तों। ये जो एक बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन होती है जिसमें आपका ये सेकंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें जो भी इक्वेशन बनानी है वो हमें इस फॉर्म में चेंज करनी होगी। यानी आपको इक्वेशन कोई भी दी हो, आपको बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन को थ्रू ही इसको करना होगा। क्या बेसिक इंटीग्रेशन बताइए हमें दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, ही हमारी बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर खोल लेंगे। होल स्क्वायर खोलने का फॉर्मूला पता ही है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हमारा क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब है ना, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लगा दिया तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। फिर आप देखोगे कि आपका दूसरी साइड दिया है टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एक्स माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स आ गया। और दोस्तों इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, तो अब हमें क्या करेंगे, ये जो टू एक्स है इस टू एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारा जो बचेगी इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अब देखिए दोस्तों इसको बेसिक फंडामेंटल ऑर्डर के हिसाब से कंपेयर करिए, तो आप ये देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, इस तरह से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या होगा फ़ायदा, इस तरह से फ़ायदा ये हमारा हो जाएगा कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। हेंस द गिवन इक्वेशन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू थ्री माइनस एक्स। तो एक हम लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड वाले सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इधर लिखा है माइनस टू, तो माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो माइनस सिक्स, और माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो प्लस का टू एक्स है ना दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो ये प्लस का टू एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का टू एक्स, यानी माइनस का टू एक्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर एक्स हो जाएगा। और इधर आ जाएगा ये प्लस का सिक्स बराबर जीरो है ना दोस्तों। तो ये हमारे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो गया, आसानी से ये हमारा चेंज हो गया फर्स्ट और सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑर्डर। अब आगे देखो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे फिर माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, तो एक ऑर्डर इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। उसके बाद सेकेंड वाली चीज़ है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा सेकेंड हैंड वैल्यू मिल जाएगी। तो आप दोस्त देख सकते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू मिली है वो आपकी इस तरह से मिली है। तो आप ये देखो इसमें सेकेंड ऑर्डर वाला टर्म आ नहीं रहा, यानी एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो प्रेजेंट नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यानी ये इट इज़ द नॉट द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा नहीं होगा और फर्स्ट और सेकेंड हमारे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
हेंस द गिवन इक्वेशन नॉट गॉट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन लिखा है, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन है। इसका हमने एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से प्लस एक्स, और इसके माइनस सिक्स एक्स, माइनस सिक्स एक्स में प्लस का एक्स जुड़ेंगे तो माइनस का फाइव एक्स, फिर माइनस का थ्री, ठीक है दोस्तों। और इधर क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, फिर ठीक है एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टेन एक्स प्लस टेन एक्स मैक्स माइनस थ्री। तो ये हमारे क्या है, सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और इधर यह है एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। टू एक्स मल्टीप्लाई हमने किया एक्स से, और टू एक्स मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री से, और फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई किया एक्स से और माइनस थ्री से, तो हमारे क्या होगा, ये फाइनल इक्वेशन बन गई। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो ये बन गया इक्वेशन। और इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा ये होगा, तो ये हमारे क्या, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, सब टर्म है, तो यानी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन हमने है ना, ये वाला टर्म है, और इसको होल स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन फोर एक्स, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया हमें, सेवन एक्स माइनस थ्री, कितना आ गया, सेवन एक्स माइनस थ्री हमारा हो जाएगा। और हमारा ये इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का पावर नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो दोस्तों तो हमें कोई भी इक्वेशन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दी होगी, तो हमें इसमें ये चेक करना होगा कि उसमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं है, प्लस एक्स का टर्म प्लस, है ना। तो दोस्तों अगर इस तरह के टर्म हमारे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, प्लॉट करनी है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये सिचुएशन दी है, क्वेश्चन है, हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फॉर्म करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमें रेक्टेंगल है ये हमारा, दिस इज द रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या दे दिया, एरिया दे दिया, रेक्टेंगल का हमें एरिया दे दिया दोस्तों, कितना 528। कह रहा है यदि लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड द फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को प्लॉट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या ध्यान दिया, यहाँ पे एक एरिया दे दिया है वह, और साथ ही ये दे दिया कि लेंथ जो प्लॉट की है वो वन मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ है ना। तो और हमें लेंथ और ब्रेथ हमें प्लॉट करनी है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें एज्यूमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो जानते हो कि रेक्टेंगल में जो क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो आपकी अलग अलग होती है ना। तो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया रेक्टेंगल दे दिया 528। अब हमने लेंथ, हमें बताया दोस्तों लेंथ हमने अगर माना एक्स है, तो कह रहा है ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ जो है वो हो जाएगी इसकी 2x प्लस वन, यानी दुगुना का एक ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। लेंथ और ब्रेथ हमें मिल गई, अब हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें बस क्या होगा, इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो प्रोडक्ट है उनका कितने वाले दिए, 306 दिए। हमें फाइंड करना इंटीजर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर, बात कर रही है, प्रोडक्ट की बात कर रही है।
हमने देखिए जब कभी भी कॉन्सिक्यूटिव की बात होती है तो हम लोग एक मानते हैं एक्स और एक मानते हैं एक्स प्लस वन। कॉन्सिक्यूटिव है तो एक एक्स होगी दूसरी एक्स प्लस वन हो जाएगी, समझ गए दोस्तों, एक एक्स हो जाएगी दूसरी एक्स प्लस वन हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल टू लगेंगे, 306 के लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका रोवर है उसकी जो एज है वो कितनी है, 26 साल ओल्डर है उससे। रोहन्स की मदर की, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया है, 3 ईयर्स फ्रॉम द नाउ विल बी 360, विल बी 360। तो हमें बताना है रोहित की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए साफ से यहाँ पे ये बात कह दी है कि रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। इस लाइन का समझिए, रोहित रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, रोहन्स मदर एज और रोहन्स की एज को अज्यूम करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। अज्यूम में देखिए हमने समझ लिया रोहन की मान ली एज कितनी है, एक्स है, और रोहन की एज हमने कितनी मान ली, एक्स है, और कह रहा मदर की एज जो उसमें कितनी थी, 26 ज़्यादा, यानी क्या हो गया एक्स प्लस 26। 3 साल के बाद क्या कह रहा है दोस्तों, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी एक्स थी, 3 साल बाद कितनी थी एक्स प्लस 3 हो जाएगी। उसकी मदर की एक्स प्लस 26 थी, 3 साल बाद उसकी मदर एज क्या होगी, 3 उसमें और जोड़ देंगे कितने थे एक्स प्लस 29। तो ये 3 साल बाद एज आ गई। अब कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट एज का कितना है, 360, तो इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। दिस इज द एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान रखिए दोस्तों 480 पर यूनिफॉर्म स्पीड है। और उसके बाद क्या कह रहा है, यदि स्पीड जो है वो कितनी हो जाए, 8 किलोमीटर कम हो जाए, यदि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव 3 आवर्स मोर देन मोर कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड द स्पीड ऑफ ट्रेन, वी नीड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें अज्यूमिंग करके आपको बताना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीड हम लोग मान लेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर में। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर कितने हो जाएगा, जो 480 स्पीड, 480 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 480 अपॉन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि यदि यदि स्पीड जो ट्रेन की कितनी हो जाए, एक्स माइनस 8 हो जाए, यदि स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी हो जाए, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाए। यदि ट्रेन की स्पीड जो है कितनी हो जाए, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो क्या करिए, ट्रेन 3 घंटा का समय कवर द सेम डिस्टेंस। तो 480 किलोमीटर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स में प्लस 3 आवर्स, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल इक्वेशन प्लॉट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए साफ से, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर मानी है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और फिर कह रहा है कि 480 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगा। भाई तो भाई टोटल डिस्टेंस हमें पता है 480 अपॉन जो स्पीड है, तो समय मिल जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाए, 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी, तब भी वो क्या कर रहा है, 3 आवर का ही समय ले रहा है, है ना। तो
हम क्या करेंगे, 481x + 3 आवर जोड़ देंगे। स्पीड इसकल इंटू टाइम इसकल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी 480 है। तो इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लॉट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर।